मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम पार्ट टू करने जा रहे हैं। अब तक इस हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं एक मैग्नेट होती है, मैग्नेट का काम क्या होता है, आयरन को अट्रैक्ट करना, ठीक है। उसके अंदर दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। जो लाइक पोल हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक पोल हैं वो हमारे अट्रैक्ट कर चुके हैं, ठीक है। फिर हमने बार मैग्नेट पढ़ी, बार मैग्नेट क्या थी, जिसमें रेक्टेंगुलर शेप मैग्नेट थी, नॉर्थ पोल होता था हमारा, साउथ पोल होता था, ठीक है। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा कि कोई भी मैग्नेट होती है उसका एक फील्ड होता है, जहाँ तक वो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। और फिर जो हमारी मैग्नेट होती है उसके अंदर कुछ फील्ड लाइंस होती हैं, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती हैं कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं, कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, कि वो क्लोज लूप बनाती हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और फिर हमने पढ़ा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रेवल करती हैं, और अगर वो आउटसाइड ट्रेवल कर रही हैं तो उनकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, और अगर इनसाइड ट्रेवल करती हैं मैग्नेट के अंदर तो उनकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। फिर हमने एक ओस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या था, कोई भी एक करंट कैरिंग वायर थी, मतलब कोई भी एक वायर थी हमारी कंडक्टिंग वायर, उसमें से हमने क्या करा, करंट पास कराया, तो उसकी वजह से हमने उसे उसमें से क्या जनरेट करा, मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी वायर जिसमें से करंट पास करा दिया तो वो किसकी तरह बिहेव करने लग गई थी, मैग्नेट की तरह, मतलब उसके चारों तरफ क्या जनरेट हो गया था, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करा इस चैप्टर में, ठीक है। कि कोई भी वायर कंडक्टिंग वायर उसमें करंट फ्लो करा दो तो क्या जनरेट होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ी, ठीक है। कोई भी एक कंडक्टर लिया, ठीक है, उसमें से करंट पास करा दिया तो वो किसकी तरह बिहेव करने लग गया, वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया जो हमारा कंडक्टर है। उसके बाद हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा, ठीक है, कि जो हमारा थंब है वो किसकी डायरेक्शन को दिखाता है, करंट की, और जो बाकी हमारी कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो किसकी डायरेक्शन को दिखाती हैं, हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को, या फिर कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो कोई भी वायर है, अगर स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या होती है, सर्कुलर होती है, ये पढ़ा, ठीक है। और भी बाकी काफ़ी चीज़ पढ़ी। फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, ठीक है, जिसका मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको फादर मदर चाइल्ड बताया था, कि मतलब जो थंब है हमारी इंडिकेट करता है फोर्स की डायरेक्शन को, और हमारा जो फोर फिंगर है उसके बगल वाली वो एक इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और जो हमारा मिडल फिंगर है वो इंडिकेट करती है किसकी डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को। तो इस तरह मैंने आपको समझाया था कि अगर जो हमारी फोर फिंगर है और मिडल फिंगर है, मतलब फोर फिंगर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा करंट है, ये दोनों क्या हों, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो किसके, हमारे थंब के, तो क्या होता है, मतलब अगर ये दोनों इंडिकेट कर रहे हो डायरेक्शन, जैसे हमारा फोर फिंगर इंडिकेट कर रहा हो डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, और जो हमारी मिडल फिंगर है वो इंडिकेट कर रही हो किसकी डायरेक्शन, करंट की। तो थंब जो होगा वो डेफिनेटली इंडिकेट करेगा, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये पढ़ा हमने। फिर हमने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ी जो इसी के ऊपर बेस थी। इलेक्ट्रिक मोटर में आपको ऐसी एक बार दोबारा बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक मोटर में क्या था, हमारी ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर कॉइल थी, ठीक है, ए और डी पॉइंट से कौन कनेक्ट था, हमारा एक एक्सल कनेक्ट था, और एक्सल के अंदर एक्स वाई ब्रशेस थे, और हमारे पी और क्यू स्प्लिट रिंग्स थी, और वो पूरा जो एक्स और वाई है हमारे किससे कनेक्ट थे, हमारी बैटरी से कनेक्ट थे। तो हम क्या करते थे, इसमें हमने ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली, उसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया था। तो हम जब कोई भी कॉइल को, रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसको करंट फ्लो करा दें और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग उसमें क्या लगता है, फोर्स लगता है। अब जो हमारा करंट है ए बी में, तो वो फ्लो कर रहा है ए टू बी, ए टू बी का मतलब अपवर्ड, और जो हमारा सी डी में फ्लो कर रहा है वो कर रहा है सी टू डी, इसका मतलब डाउनवर्ड। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो ए बी है वो मूव करता है डाउनवर्ड और सी डी मूव करता है अपवर्ड। तो इस तरह ही हमारी कॉइल रोटेट हो जाती है। तो हम मोटर में करते क्या है, उसका मेन काम क्या है, उसका काम है उसे इलेक्ट्रिसिटी दो, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया प्लस उसे मैग्नेटिक फील्ड में भी रख दिया, ठीक है। और हमें जो प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट का मतलब जो कि हमें चाहिए, हमें होता है कि हम मोटर को घुमा दें, तो ये जो हमारी मोटर है ये घूमती रहती है, ठीक है, ये एक्सल भी अटैच है इससे, तो एक्सल की मदद से ये घूमती रहती है, और हमें प्रोडक्ट में यही चाहिए, और बाकी मैं आपको एक्सप्लेन में समझा ही चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। तो अब है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक साइंटिस्ट था फैराडे, उसने दिया। तो उसके अकॉर्डिंग करंट जनरेट किया गया मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, किसकी मदद से, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक वायर थी उसमें से करंट फ्लो करा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया था, मतलब वो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गई। अब उसका जस्ट अपोजिट है, हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद से क्या जनरेट कर रहे हैं, करंट को।
पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करा, अब हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद से क्या जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को। तो इसने क्या करा, अब यही काम करा, इसने जनरेट करा इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ कंडक्टर। तो इसने क्या करा, ए बी एक कंडक्टर लिया, ठीक है, उस पर कॉइल लगा दी और उसे कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। किससे कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर का जस्ट काम है कि करंट को डिटेक्ट करना। फिर उसने एक मैग्नेट ली, जैसे आपको दिखाई दे रही होगी, उसने मैग्नेट को मूव कराया किसकी तरफ, उस कंडक्टर की तरफ, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, उसने क्या करा वहाँ पे उस मैग्नेट को मूव कराया। मैग्नेट को मूव कराने का मतलब उसने मैग्नेटिक फील्ड दिया, क्योंकि अब जो मैग्नेट को मूव कराया तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी, और मैग्नेट है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है, इस जो कंडक्टर है हमारा ए बी, इसमें क्या हो गया, करंट जनरेट हो गया, और गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का मतलब है हमारा कि उसमें करंट जनरेट हो गया। तो जो हमारा फैराडे साइंटिस्ट है, इसने क्या करा, इसने मैग्नेट की मदद से, मतलब मैग्नेट को मूव कराया कॉइल की तरफ, तो उसमें क्या जनरेट करवा दिया, कंडक्टर के अंदर, ठीक है, वही ए बी जो कंडक्टर है उसके अंदर उसने करंट जनरेट करवा दिया। तो इस साइंटिस्ट ने क्या करके दिखाया, तो जैसे एक कंडक्टर है, एक है मैग्नेट, तो इन दोनों में से एक चीज़ मूव करनी चाहिए, या तो तुम मैग्नेट को मूव करा लो आगे पीछे किसकी तरफ, कंडक्टर के ए बी की तरफ, या फिर कंडक्टर को मूव करा लो आगे पीछे। तो दोनों में से अगर एक भी चीज़ मूव कर रही है तो क्या जनरेट हो जाएगा, जो हमारा कंडक्टर है ए बी, उसके अंदर करंट जनरेट हो जाएगा। तो बस कोई भी चीज़ अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर उससे पास होती हैं, या तो कह लो या मैग्नेट मूव करे या कॉइल मूव करे, दोनों में से एक चीज़ मूव करें, तो उस कंडक्टर के अंदर क्या जनरेट हो जाता है, उस कंडक्टर के अंदर हमारा करंट जनरेट हो जाता है। तो हमने अब क्या करा, करंट पैदा करा, किसकी मदद से, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। उस करंट को बोलते हैं इंड्यूस करंट, लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट की वजह से बिजली का बनना उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जो करंट जनरेट होता है उसे बोलते हैं इंड्यूस करंट। फिर हमारा बी वाला डायग्राम दे रखा है, बी वाले डायग्राम में क्या है, एक कंडक्टर ले रखा है, और हमने इस बार दो कॉइल ले रखी है, कॉइल वन एक कॉइल टू। कॉइल वन को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और उसमें से करंट फ्लो करा दिया, ऐसी दूसरी तरफ कॉइल टू, उसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब इसमें क्या होता है, हम करंट पास कराते हैं कॉइल वन में, क्योंकि हमें पता है जब किसी भी चीज़ में करंट पास कराओगे तो उसमें क्या जनरेट होता है, अकॉर्डिंग टू ओस्टेड, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो करंट प्रोड्यूस करेगा कॉइल टू में, क्योंकि हमें ये भी पता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या जनरेट होता है, करंट, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कॉइल टू में करंट प्रोड्यूस हुआ, वो डिटेक्ट हो जाएगा किसके द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा। इसमें बस यही समझाया गया, जब कंडक्टर को मूव कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे हम कंडक्टर के यहाँ, मतलब वही मैग्नेट को मूव कराएंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। और ये अपोजिट है एक्जर्शन ऑफ फोर्स के, जो करंट कैरिंग कंडक्टर लगाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, जब कंडक्टर को लाएंगे हम रिलेटिव मोशन में, रिलेटिव मोशन का मतलब है या तो कंडक्टर मूव कर रहा हो मैग्नेट की, मैग्नेट पर रेस्ट में हो, या फिर मैग्नेट मूव कर रही हो बैकवर्ड फॉरवर्ड और हमारा कंडक्टर रेस्ट में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है, उस पोटेंशियल की वजह से करंट इंड्यूस होता है, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमने इस चैप्टर में क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमने करंट जनरेट करा, तो हमने दोनों चीज़ कर ली। अब हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, जैसे हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो था वो वर्क करता था किस पर, वो इलेक्ट्रिक मोटर उसके प्रिंसिपल था, जो हमारा कौन है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो थी वो वर्क करती थी प्रिंसिपल पर, किस पर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के। ऐसे ही फ्लेमिंग ने राइट हैंड रूल भी दिया। तो फ्लेमिंग ने राइट हैंड रूल क्या करा, सेम सिंपल सा, उसने अपनी राइट हैंड उठाया, ठीक है, तो उसने बताया कि जो हमारा थंब है वो किसको दिखाता है, फोर्स की डायरेक्शन को, और जो हमारी फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और जो हमारी मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को। तो इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। अगर आप राइट हैंड उठाओ इस वे में कि जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स का मतलब जो फोर फिंगर है जो आपको दिख रही होगी डायग्राम में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रही है, मिडल फिंगर और थंब अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो अब बोला है अगर थंब शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट की, अगर जो हमारा थंब है डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करे, मतलब जिसमें दिखा हुआ है मूवमेंट, ठीक है, अगर थंब शो करे, कंडीशन देखना, मतलब पूरा पढ़ते हैं, तो थंब क्या है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखाएगा। तो अगर राइट हैंड उठाएं आप, ठीक है, अपना, तो इस तरह से कि जो इंडेक्स फिंगर है मतलब फोर फिंगर है, मिडल फिंगर है और थंब है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो इस केस में क्या होगा, थंब शो करेगा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को।
ठीक है, जो डायरेक्शन है मूवमेंट ऑफ कंडक्टर की, मैग्नेटिक फील्ड की और इंड्यूस करंट की, वो कंपेयर की गई है थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस। ये जो तीनों एक्सिस हैं एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब हमारा थंब हो गया और हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये हमारा करंट वाला हो गया, मतलब थंब हो गया, फोर फिंगर हो गई और हमारा मिडल फिंगर हो गई। तो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये पॉइंट करती है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जब मैग्नेटिक फील्ड और मूवमेंट जो है कंडक्टर का परपेंडिकुलर होगा। ये है एग्जैक्टली क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हमारी फोर फिंगर, और जो मूवमेंट है कंडक्टर का, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर का मतलब एक तरह से आप करंट बोल सकते हैं, मतलब थंब, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड और थंब ठीक है क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर का मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए, तो जो मैग्नीट्यूड होगा करंट का मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो जो ये हमारा मिडल फिंगर है ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये हमारा रूल ये कहता है कि अगर हम अपने राइट हैंड को उठाएं और अगर हमारा क्या होता है थंब इंडिकेट करें मोशन को कंडक्टर की और हमारा जो फोर फिंगर है इंडिकेट करें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो डेफिनेटली जो हमारी मिडल फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन को दिखाएगी, वो करंट की डायरेक्शन को दिखाएगी। तो ये बोलता है इसमें। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या काम है, इसका काम है काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन, हम किसी चीज़ को मूव कराएं, मोटर से जस्ट अपोजिट है। जनरेटर में क्या होता है, हम किसी को भी एनर्जी देते हैं क्योंकि काइनेटिक माने होता है मोशन, तो हम जनरेटर में हत्था घुमाते हैं, फ्यूल का इस्तेमाल होता है ये आपको पता है, और उससे हमें क्या मिलती है, जब इन प्रोडक्ट हमें बिजली मिलती है, तो काइनेटिक एनर्जी को ये बिजली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में काम कन्वर्ट कर देता है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का काम है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जनरेटर का काम क्या है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मैकेनिकल का मतलब हम जनरेटर में हत्था घुमाते हैं और फ्यूल का इस्तेमाल करके एज एन प्रोडक्ट, ठीक है, हमें क्या मिल जाती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है क्योंकि जनरेटर का काम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है। इलेक्ट्रिक जनरेटर दो तरह के होते हैं, एक होता है एसी जनरेटर और एक होता है डीसी जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल है वो किस पे काम करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। थोड़ा थोड़ा जो इसका डायग्राम है वो किसकी तरह है, वो मोटर की तरह ही है। ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, उसके बाद ए और डी जो पॉइंट है वो किससे अटैच है तुम्हारे, वो ये एक्सल से अटैच है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी बी वन और बी टू ब्रशेस होते हैं और अब आर वन और आर टू रिंग्स होती हैं। ये जो साइड में निकल रहे हैं, ठीक है, जैसे बी वन है जिससे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, बी टू इससे भी गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, तो एक तरह से क्या है, साइड में से पॉइंट हैं जिनसे ये वायर कनेक्ट है, ठीक है। और ये जो R1 R2 हैं, ये जो हमारी एक्सल के ऊपर ये गोले से दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी रिंग्स हैं। रिंग माने क्या होता है, जैसे अंगूठी टाइप होती है, ये किससे कनेक्ट हैं, ये भी ब्रशेस से कनेक्ट हैं। तो जैसे हम मोटर में क्या करते थे, मोटर में हम करंट देते थे और मैग्नेटिक फील्ड देते थे, इसमें करंट देने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि करंट तो हमें प्रोडक्ट में चाहिए, करंट तो हमें प्रोडक्ट में चाहिए जिसके लिए हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, ठीक है, बी वन और बी टू से कनेक्ट कर रखा है ब्रशेस से। और बी वन बी टू आपको पता है एक्सल से कनेक्ट ही है और रिंग से भी कनेक्ट है और कनेक्ट ए बी सी डी से भी है, ए बी सी डी मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल से भी कनेक्ट है। तो इसका मतलब हमारा पूरा सिस्टम, हमारा मेन काम क्या है, मेन काम है हम इसे घुमा दें, क्या कर दें, घुमा दें। और घुमाने के बाद किसको ले लें, हमें करंट चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है वो हमें क्या देता है, हमें करंट ही देता है, मतलब एक तरह से जो भी बोले। तो इसमें क्या है, हमने ए बी सी डी रेक्टेंगुलर कॉइल ली, फिर ए और डी पॉइंट जो है उन्हें कनेक्ट कर दिया एक्सल से, ठीक है, और ए पॉइंट को बी वन ब्रश से कनेक्ट कर दिया और बी पॉइंट और डी पॉइंट को बी टू ब्रश से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर बी वन और बी टू जो है किससे कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर से, और दो रिंग्स लगी हुई हैं, मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा गया है। जो स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिक जनरेटर का वो मोटर की तरह ही है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जो ए बी सी डी है रेक्टेंगुलर कॉइल है उसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, एक साइड नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और एक साइड साउथ पोल है, उसे हमने वायर से अटैच किया गया है ए बी सी डी कॉइल को इस तरह कि वो एक्सल के अराउंड रोटेट हो जाए। तो जब आर्मेचर को मूव कराओगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्योंकि जब हम हत्था घुमाते हैं जनरेटर के अंदर, जैसे एक्सल है इसे घुमाओगे क्योंकि एक्सल कनेक्ट है किससे, ए बी सी डी से, तो साथ में क्या होगी, ए बी सी डी भी घूमेगी, ठीक है। सपोज़ करो हम क्लॉकवाइज ही घुमा रहे हैं इसको, तो ये भी घूमेगी। तो जब किसी भी कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाते हैं, ठीक है, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है यही तो पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या मतलब है, कि अगर किसी भी चीज़ को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा दें तो उसकी वजह से क्या जनरेट होता है, हमारा करंट जनरेट होता है। तो ये ही चाहिए हमें, तो ये ही हम काम कर रहे हैं, ठीक है, कि ए बी सी डी जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसे एक्सल से कनेक्ट कर दिया, फिर हम उस एक्सल को घुमाएंगे उस हत्ते से जिसको हम जनरेटर में घुमाते हैं, तो उसकी वजह से क्या जनरेट होगा हमारा, उसकी वजह से हमारा क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट हो जाएगा। तो किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमा दीजिए, गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, रीडिंग चेंज आएगी, इसका मतलब वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो चुका है। तो यही काम है हमारा। तो जब आर्मेचर को मूव कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होगा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, और जो डायरेक्शन होगी उस करंट की चेंज हो जाएगी। जब आर्मेचर कॉइल
आधा रोटेशन कवर कर ले, मतलब जब ए बी सी डी की जगह आ जाए और सी डी ए बी की जगह, क्योंकि रोटेट होने का मतलब क्या है, जैसे घूमना, ठीक है, जैसे मोटर रोटेट करती है, तो डायरेक्शन जो होगी हर रोटेशन में क्या होगी, चेंज होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो ये जो जनरेटर है वो ऑल्टरनेटिंग करंट देता है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। और अगर हमें एसी जो जनरेटर है कि हमें जो करंट मिला है वो एसी मिला है ऑल्टरनेटिंग करंट, उसे कन्वर्ट करना है डीसी जनरेटर के अंदर, तो हम स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे हमने मोटर में स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल करते थे, तो ये मदद करता है प्रोड्यूस करने में डायरेक्ट करंट। तो हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट करंट मिल जाता है। जो हमारे घर में करंट आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, जो खंभों द्वारा आता है, लेकिन जो हमारी बैटरी होती है, ठीक है, उसमें डायरेक्ट करंट होता है। और जो हमारा डायरेक्ट करंट है वो ज़्यादा डेंजरस होता है किसके मुकाबले, ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर आपको कभी सिंपल करंट लगता है जो घर में बिजली आ रही है उससे, या फिर हमारी बैटरी से करंट लगता है, तो जो हमारा इन्वर्टर वाले या बैटरी जो उसमें जो करंट है वो ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को हमारा कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट है क्या, मेन बात बस लास्ट टॉपिक है आपका, करंट जिसमें डायरेक्शन चेंज हो पीरियोडिकली, जिसमें डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो हाफ रोटेशन के बाद, उसे ऑल्टरनेट करंट बोलते हैं। भारत के अंदर ज़्यादातर जो पावर स्टेशन है वो ऑल्टरनेट करंट ही जनरेट करते हैं, और जो डायरेक्शन है करंट की वो चेंज होती है हर 1/100 सेकंड में, और जो फ्रिक्वेंसी होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की वो होती है 50 हर्ट्ज़, ठीक है, मतलब 1 सेकंड के अंदर 50 साइकिल कंप्लीट हो जाती हैं। और एसी ट्रांसमिट होती है लॉन्ग डिस्टेंस में बिना, विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं होता, ये एडवांटेज है एसी का डीसी का। तो जैसे एक करंट और टाइम में ग्राफ है, ठीक है, तो ये पहले अपवर्ड गया फिर डाउनवर्ड, इसे बोलते हैं एक साइकिल, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। तो ऐसी इंडिया 1 सेकंड के अंदर 50 साइकिल कंप्लीट हो जाती हैं, और ये डायरेक्ट करंट है, ये केवल एक डायरेक्शन में होता है। डायरेक्ट करंट क्या है, जो करंट फ्लो होता है एक डायरेक्शन में उसे डायरेक्ट करंट बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। और एडवांटेज क्या है ऑल्टरनेटिंग करंट की डीसी पर, वैसे एसी जो है हमारी बेहतर होती है डीसी से। एक तो कॉस्ट ऑफ जनरेटर जो है एसी का वो बहुत कम होता है डीसी से, क्योंकि हमें पता है एसी जनरेटर भी होता है डीसी जनरेटर भी होता है। डीसी जनरेटर कम बन जाएगा, हम स्प्लिट रिंग्स का इस्तेमाल कर लेंगे बस जनरेटर के, इसमें एसी आसानी से कन्वर्ट हो जाती है डीसी में। एसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं चोक कॉइल के इस्तेमाल से, जिसके अंदर लेस लॉस होता है पावर का, और डीसी को कंट्रोल करते हैं रेजिस्टेंस के इस्तेमाल से, और रेजिस्टेंस में आपको पता ही है हाई एनर्जी लॉस होता है। एसी ट्रांसमिट होती है लॉन्ग डिस्टेंस तक, मतलब बहुत दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं उसे, हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकते हैं विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। और एसी मशीन्स क्या हैं, स्टाउट हैं और ड्यूरेबल हैं एंड डू नॉट नीड सच मेंटेनेंस, और इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत उसे नहीं होती। कुछ हमारे डिसएडवांटेज भी होती हैं एसी की, एसी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए, क्योंकि उसकी पोलैरिटी क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। पोलैरिटी रिवर्स करने का मतलब पहले वो अपवर्ड फ्लो हो रही है फिर वो डाउनवर्ड, तो इस तरह से है। और एसी ज़्यादा डेंजरस होती है किससे, डीसी से। ये पॉइंट मुझे लग रहा है गलत है। अब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है, हम रिसीव करते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई किससे, मेन सपोर्ट से, थ्रू द पोल्स और केबल, क्योंकि हमारे जो घर में है वो पोल या केबल के थ्रू हमारी क्या आती है, वो बिजली आ जाती है। और हमारे घर में हम एसी पावर, एसी को यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसकी जो वोल्टेज है कितनी होती है, 220 वोल्ट होती है, फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़। अब तीन तरह की वायर होती हैं, एक होती है लिव वायर, एक होती है न्यूट्रल वायर, एक होती है अर्थ वायर। लिव वायर कौन सी होती है, ठीक है, जो रेड कलर की वायर होती है, मतलब जिस पर रेड कलर का इंसुलेशन होता है वायर के ऊपर, वो हमारी लिव वायर होती है, जिसको हम पॉजिटिव वायर भी बोलते हैं। फिर होती है न्यूट्रल वायर, जिस पर ब्लैक कलर का इंसुलेटर होता है, वो हमारे नेगेटिव वायर हो, उसे नेगेटिव बोलते हैं। फिर होती है अर्थ वायर, जो ग्रीन इंसुलेट होती है, वो सेफ्टी मेजर के लिए इस्तेमाल होती है। जो ज़्यादा करंट हो रहा आ रहा होता है हमारी अगर वायर के अंदर, तो जो लीकेज है करंट का, वो मेटलिक बॉडी के थ्रू जो है सीरियस शॉक नहीं देता यूज़र में, और जो एक्स्ट्रा करंट है वो हमारा अर्थ के अंदर चला जाता है, कि अर्थ क्या है, हमारा एक तरह से कैपेसिटर है, कितना भी चार्ज वो स्टोर कर सकता है। फिर हमारा शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, अगर लिव वायर और न्यूट्रल वायर टच हो जाए, ठीक है, अगर अचानक से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, ये नहीं है लिव वायर और न्यूट्रल वायर के इंसुलेटर टच हो जाए, अगर वो कहीं से कट रही हैं, ठीक है, तो दोनों की वो टच हो जाती हैं अगर मेटलिक जो वायर होती है अंदर से, तो शॉर्ट सर्किट होता है। अब क्या होता है, इसकी वजह से डैमेज होता है इंसुलेशन का पावर लाइन में, जो इंसुलेटर उस पर लगा रहता है, और अगर एक फॉल्ट हो जाए इलेक्ट्रिक अप्लायंस में, तो ये चीज़ें होती हैं। ओवरलोडिंग क्या है, जो ओवरहीटिंग हो जाए इलेक्ट्रिक वायर, मतलब अगर इलेक्ट्रिक वायर एक्स्ट्रा हीट हो जाए किसी भी सर्किट में, क्यों, क्योंकि लार्ज करंट फ्लो हो रहा है उससे, तो अगर करंट ज़्यादा फ्लो होता है उसे बोलते हैं ओवरहीटिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, वायर ओवरहीट हो जाती है। तो ओवरहीट होना
लार्ज करंट फ्लो होने की वजह से, क्योंकि हमें पता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, मतलब एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और वो भी स्क्वायर की टर्म्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक सडन लार्ज अमाउंट आना करंट का अगर वो वायर से फ्लो होता है, जिसकी वजह से ओवर हीटिंग होती है वायर की और उसमें आग भी लग सकती है। अब फ्यूज़ क्या है, जैसे आग लग गई तो इसको आग से बचाने का काम क्या होता है, फ्यूज़ का होता है। तो एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, घर में देखा ही होगा आपने फ्यूज़ लगा रहता है, जो यूज़ किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए सर्किट, किस किस से, शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट क्या था हमारा, जब लिव वायर और न्यूट्रल वायर मिल जाती हैं, और दूसरा ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग का मतलब हीट हो जाना वायर, और जिसकी वजह से क्या होना, वो उसका बर्न हो जाना। और एक पीस होता है थिन वायर का, बहुत पतली वायर का पीस होता है, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है और हाई रेजिस्टेंस होता है। तो फ्यूज़ के अंदर जो हम एक वायर लगाते हैं, ठीक है, अगर किसी को फ्यूज़ चेंज करना आता हो तो उसको इस बारे में ज़्यादा पता होगा, ठीक है, क्योंकि लोग आजकल क्या होते हैं घर में खुद ही फ्यूज़ चेंज कर लेते हैं। तो एक पीस होता है थिन वायर का, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि ज़रा सा भी अगर एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो रहा है तो वो पिघल जाएगी, और हाई रेजिस्टेंस होता है। पिघल जाने का मतलब क्या है, वहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट आएगा नहीं, और जो हमारी आग लगने से बच जाएगी या फिर शॉर्ट सर्किट होने से भी बच सकता है। फ्यूज़ हमेशा लिव वायर के साथ कनेक्ट रहता है, ठीक है, लिव मतलब जो रेड कलर का इंसुलेटर था, फ्यूज़ हमेशा सीरीज़ में रहता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। फ्यूज़ हमेशा कनेक्ट रहता है बिगनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में, सर्किट के शुरुआत में ही फ्यूज़ लगे रहते हैं। और फ्यूज़ जो है हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करता है, इस पर इफेक्ट पर वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट।